हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभा एंड आई वेलकम यू टू माय पैच ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ प्लांट जो हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। ये ट्रेलिंग प्लांट्स हैं और आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इनका लुक बहुत सुंदर आता है। जैसे कि मैंने आपको शो करने के लिए ये प्लांट यहाँ रखा है और मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे हैंग किया हुआ है। इसका नाम है फिलोडेंड्रॉन हार्डीरेसियम। और फ्रेंड्स, सेकंड प्लांट है ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। इसकी लीफ में ये वेरिएशन होता है, पूरी ग्रीन नहीं होती है, इसमें येलो वेरिएशन होते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट है ये फिलोडेंड्रॉन माइकन। इसे ये इसकी लीव्स वेलवेटी होती हैं, बिल्कुल वेलवेटी ब्राउन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसकी लीफ में, बहुत सुंदर लगती हैं इसकी लीफ। ये देखिए कितना इसका टेक्सचर कितना सुंदर है, इसकी वेलवेटी लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट प्लांट है सैटिन पोथोस, ये सैटिन मनी प्लांट, सिल्वर मनी प्लांट भी बोलते हैं इसे। इसकी लीफ देखिए कितना अच्छा वेरिएशन है इनमें सिल्वर कलर का, ये भी हैंग बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए हैंगिंग बास्केट में ये कितना अच्छा लगता है, हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट है, इसे बोलते हैं मंजुला पोथोस। देखिए इसकी लीफ ये मनी प्लांट के जैसा ही होता है लेकिन इसकी लीफ नॉर्मल मनी प्लांट से अलग होती है। इनमें देखिए ऐसा वेरिएशन होता है, ये देखिए इसमें कितना अच्छा वेरिएशन होता है। ये नर्सरीज में इजीली अवेलेबल प्लांट है। ये नियॉन पोथोस है, नियॉन मनी प्लांट भी कह सकते हैं। इसकी लीफ देखिए नियॉन कलर की होती हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। और ये एक बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट प्लांट है जिसे लिपस्टिक वाइन कहते हैं। इसके अंडर लीफ जो होती हैं वो पर्पलिश होती हैं, ऊपर से ग्रीन होती हैं और ये बहुत ही कम केयर के साथ में अच्छा परफॉर्म करता है। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट को मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है फ्रेंड्स, तो उसको आप ज़रूर अपने घर में लगाइए और ये हैंग किया हुआ बहुत सुंदर लगता है। आप इसको इस तरह से विंडो में भी हैंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्पाइडर प्लांट। और ये देखिए इंग्लिश आईवी है, इंग्लिश आईवी तो बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स, ये जो बास्केट में हैंग की हुई। और ये वेरिकेटेड इंग्लिश आईवी है, इसकी लीव्स देखिए दो कलर्स में है, इसमें वाइट येलो और ग्रीन कलर का है। और ये पर्पल हार्ट प्लांट है और ये फ्रेंड्स प्लांट इतना हार्डी होता है, इसको आप मार ही नहीं सकते। मैंने सिर्फ दो लीव से इसे प्रोपोगेट किया था और आज मेरे पास बहुत सारी बास्केट है पर्पल हार्ट प्लांट की, तो आप इसको भी ज़रूर लगाइए। वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है। और देखिए ये जो वेरिकेटेड इंग्लिश आईवी है, मैंने इसे विंडो में भी ऐसे हैंग किया हुआ है। और इसके बगल में ये टैंगल्ड हार्ट का प्लांट है, ये अभी थोड़ा डल लग रहा है क्योंकि सर्दियों की वजह से इसकी लीफ थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो और ये बहुत अच्छे से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है गर्मियों में, तो बहुत जल्दी ये पूरी बास्केट फिल हो जाएगी। तो टैंगल्ड हार्ट एक और प्लांट हुआ। और ये देखिए ये बरोस टेल बोलते हैं, सकुलेंट प्लांट है और ये बहुत जल्दी इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होके पूरी बास्केट भर देगा, तो आप बरोस टेल को भी कंसीडर कीजिएगा एज अ हैंगिंग बास्केट। ये देखिए ये वेरीगेटेड प्लांट है, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। और देखिए इसकी जैसे ब्रांचेस नीचे की ओर आ रही हैं, तो जब हम इसे हैंग करते हैं और वो ब्रांचेस नीचे आती हैं तो ये प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, ये वॉन्डरिंग जू प्लांट है, ये भी मेरे पास में सिर्फ दो कटिंग थी और मैं इससे इतना ज़्यादा ये प्लांट देखिए कितना अच्छा से बढ़ गया है। और इसका अब गर्मियाँ इसका सीज़न है, अभी शुरू हुआ है इसका सीज़न, तो अभी इसकी पत्तियाँ और अच्छी सुंदर कलर में हो जाएंगी और ये पूरा मेरी बास्केट बहुत जल्दी फिल हो जाएगी। तो वॉन्डरिंग जू को भी आप ज़रूर ऐड कीजिए अपनी हैंगिंग बास्केट प्लांट। और फ्रेंड्स, विंटर फ्लावरिंग प्लांट में पिट्यूनिया और पेंसी, ये पेंसी है, आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये मई जून तक अभी फ्लावरिंग देगा और देखिए मैंने इसे सिंगल सिंगल बास्केट में ऐसे लगाए हुए हैं अपने पिट्यूनिया और ये बहुत अच्छे कलर्स में आते हैं, तो आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।